जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं दुर्गा और आप देख रहे हैं दुर्गाज क्रिएटिव गार्डन। दोस्तों आज मैं आपको श्री गणेश का ये पौधा दिखाऊंगी। इसको सफ़ेद आग भी बोलते हैं। माना जाता है कि इसमें श्री गणेश निवास करते हैं। इस तरह का पौधा आपको सड़कों पर भी दिखाई देता है, लेकिन वो उसमें जो फूल होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं और इसमें जो ये फूल होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं, तो इसीलिए इसको सफ़ेद आग बोला जाता है। और ये श्री गणेश का पौधा भी माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि अगर इसको अपने घर में लगाते हैं सच्चे मन से और पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं श्रद्धा से, तो इसकी जड़ में श्री गणेश निवास करते हैं और इसकी जो जड़ होती है वो गणेश का रूप धारण कर लेती है। जो गणेश की प्रतिमा होती है वो बन जाती है इसकी जड़। तो इसको श्रद्धा से जो भी कोई लगाता है तो माना जाता है उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा प्लांट है ये, और श्री गणेश जी का भी है, तो गणेश जी तो हमारे गार्डन में होने ज़रूरी है। तो ये आप भी लगा सकते हैं, अगर आपको विश्वास है भगवान पर या आप श्रद्धा रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। और इसमें देखिए ये सफ़ेद कलर के ये खूबसूरत इसमें ये फ्लावर आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये भी। और ये जब फ्लावर खिल जाते हैं पूरे, तो इसमें इस तरह के ये जो दिख रहे हैं आपको ये सीड पॉड बन जाते हैं, ये सीड पॉड बन गए हैं। और ये देखिए ये पूरी गर्मी बहुत अच्छे से चलता है, ये पूरी धूप में भी खिला रहता है और ये पूरी धूप में है मेरे ये पौधा और बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा है ये। तो दोस्तों आपको भी अगर विश्वास है भगवान पर या फिर आप विश्वास रखते हैं तो आप भी लगाइए ये पौधा, बहुत अच्छा है ये। और देखिए ये इस तरह के इसमें ये सीड बन जाते हैं और बाद में ये जब ये पक जाएगा तो ये देखिए इधर भी बन रहा है, ये बड़े हो रहे हैं। जब ये पक जाएंगे तो इनमें से सीड भी निकलते हैं और ये काफ़ी लंबा हो जाता है, ये देखिए पूरा लंबा हो गया ये। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है और ये फ्लावरिंग भी करता है और बहुत ही हार्डी प्लांट भी है। अगर आप एक दिन दो दिन पानी भी नहीं देते तो भी ये चल जाता है, गर्मियों में आसानी से चल जाता है। तो आप भी लगाना चाहते हैं ये पौधा तो ज़रूर लगाइए दोस्तों। तो ये देखिए काफ़ी लंबा हो जाता है ये पौधा और ये सीड पॉड है ये देखिए, और काफ़ी तो ये मुरझा जाते हैं फूल इसके, और जो हेल्दी होते हैं फूल तो उनसे ये सीड पॉड बन जाते हैं और इसमें काफ़ी ब्रांचें भी निकल आती हैं। और मैंने ये काफ़ी बड़े गमले में लगा रखा है जो तुलसी के लिए होता है, उस गमले में लगा रखा है और इसमें से ये ब्रांचें भी निकल रही हैं और ये साल भर का पौधा हो गया है और बहुत अच्छा है और ये फ्लावरिंग भी कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये गार्डन में ये भी बहुत अच्छा लगता है और गणेश जी की पूजा भी हो जाती है, बहुत अच्छा है ये प्लांट। तो दोस्तों आप भी अगर लगाना चाहते हैं इस प्लांट को तो ज़रूर लगाइए, और कैसा लगा आपको ये मेरा प्लांट ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।